नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जहां ओवैसी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। की बड़ी बात, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी के ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया है। ओवैसी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर कहा कि एक पार्टी खुद को प्रमुख विपक्षी दल बताती है। जिला पंचायत के चुनाव में 800 सदस्यों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अध्यक्ष चुनाव में केवल 5 सीटों पर जीत मिली है। ऐसा क्यों? क्या बाकी सदस्य बीजेपी की गोद में जा बैठे हैं? ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मनसूबाबंद तरीके से हमें सियासी और सामाजिक तौर पर दूसरे दर्ज का शहरी बना दिया गया है। मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, फरुखाबाद, कासगंज, ओरिया जैसे जिलों में इस पार्टी के सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीत कर आए थे, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में फिर भी हार गए। इन सारे जिलों में तो कई सालों से परिवार विशेष का दबदबा भी रहा है। अब तो हमें एक नई सियासी तदबीर अपनाना ही होगा। जब तक हमारी आजाद सियासी आवाज नहीं होगी, तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होने वाले। भाजपा से डरना नहीं है, बल्कि जमहूरी तरीके से लड़ना है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिला अध्यक्षों व प्रमुख पदाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने सभी वर्तमान व निवर्तमान जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष व जिला महासचिव को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में आपके जिले में पराजय के क्या कारण है, जिसमें सपा व गठबंधन के प्रत्याशी की पराजय हुई है। इस संबंध में अपनी स्पष्ट रिपोर्ट 7 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पार्टी मुख्यालय में पेश की जाए। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।